आगे से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें आए हुए तमाम अतिथियों को करने का मौका मिल गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर स्थानीय झंडा मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं और स्वामी विवेकानंद जी का फुटबॉल के प्रति बहुत ही गहरा संबंध था। इसीलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद एक फुटबॉल में रुचि रखते थे, उसी तरह हमारे कार्यकर्ताओं को एक फुटबॉल टूर्नामेंट करवाना चाहिए और इससे आज के युवाओं को इसके प्रति जोड़ना चाहिए। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक दिवसीय टूर्नामेंट रखा गया था, जिसमें टोटल 8 टीमें ने पार्टिसिपेट की थी। 8 टीमें में जो 4 टीम क्वालिफाई किया था सेमीफाइनल में, वहाँ के बाद 2 टीम फाइनल में है, जो +2 हाई स्कूल गिरिडीह और गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के बीच में फाइनल मैच होगा, जिसमें उद्घाटन समारोह में +2 हाई स्कूल और जीतपुर के बीच खेला गया था, जिसमें +2 हाई स्कूल 2-0 से विजय प्राप्त करके फाइनल में पहुंचे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर गिरिडीह की ओर से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया था, जिसमें फाइनल में गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह एवं +2 स्कूल विजयी पहुंची है। और मैं यहां आए सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, ये दोनों टीम गिरिडीह में बहुत ही जाने माने टीम है, इसलिए गिरिडीह एसपी के परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद। बोलिए भैया, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला की ओर से झंडा मैदान में एक भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। आप सभी को पता है कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, राष्ट्र हित तथा समाज हित के लिए हमेशा कार्य करते आ रही है और आगे भी कार्य करते रहेगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब अपने कार्यकाल में ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इसको और भी आगे लेके जाएंगे। इस खेल में प्रतियोगिता में आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी तथा हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं।